यस, वी आर लाइव नाउ. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न. डिस्कस करेंगे एक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का एक टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है अपने आप में. हर साल एक से दो क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं, जिसका नाम है कॉग्निशन एंड इमोशन, मतलब संज्ञान एवं संवेग. तो संज्ञान क्या है, इसके बारे में तो शायद आपने थियोरीज में समझा हो. प्याजे की जो हमने बात की है, शायद क्या समझाई है, प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझा है, ब्रूनर की बातें समझी हैं, तो वो सारी चीजें हमने समझा है. लेकिन संज्ञान के बारे में भी समझेंगे, इमोशंस क्या हैं उनको देखेंगे, टाइप्स कितने होते हैं, क्या चीजें हैं जो इमोशंस को प्रभावित करती हैं, और कैसे शायद इमोशंस हमें इंसान बनाते हैं. ये मैं कह रही हूँ, ऐसा लिखा नहीं है कहीं, तो वो हम समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये ऐसा टाइम है, एक महीना भी आपके पास नहीं है एग्जाम में, तो आप बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें साथ के साथ. तो बिल्कुल कोशिश रहेगी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको समझें, जो इम्पोर्टेंट थियरीज उनको समझें, बहुत कम समय में ज्यादा बातें करें, ताकि बेहतर तैयारी आप लोग की हो सके. तो मैं आप लोग का बिल्कुल कमेंट्स वगैरह देख पा रही हूँ. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम. तो स्टार्ट करेंगे, थोड़ा आज स्लो चलेंगे, क्योंकि मेरे साथ यही होता है, मैं थोड़ा एक्साइटमेंट में स्पीड अप हो जाती है, फिर आप लोग कहते हैं कि थोड़ा सा स्लो चलना है. देखो, CDP की ऑलमोस्ट तैयारी आपकी कंप्लीट है, मोर देन इनफ है, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी चीजें कराती रहूंगी. एक दो टॉपिक और बचते हैं, और कल एक मास्टर सेशन रहेगा 5:30 बजे, मास्टर क्लास रिवीजन की. सारे टॉपिक हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के सीटेट को लेकर कंप्लीट कर लेंगे रिवीजन में, वैसे तो कर ही चुके हैं अलग अलग. तो स्टार्ट करें, आप लोग तैयार हैं, ऐसे फुल एनर्जी है, स्टार्ट करें फिर बताओ एक बार, मैं कमेंट चैट में देखती हूं, फिर स्टार्ट करेंगे. आज थोड़ा सा स्लो चलेंगे, लेकिन अच्छे से समझते हुए चलेंगे. ऐप मिलेगी, कल से मिलेगी ऐप जो है प्ले स्टोर में, तो उसकी भी टेंशन मत लो, या हो सकता है आज शाम से मिल जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. चलिए, बहुत बढ़िया. तो आप सबका स्वागत है ऐसे लेट्स लर्न पे, ग्रेडअप के द्वारा कोलैबोरेशन में चली हुई सीरीज लक्ष्य सीटेट में. तो स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया. तो कॉग्निशन एंड इमोशन, कॉग्निशन की अगर हम बात करें, संज्ञान जिसको हम कहते हैं, तो एक तरह की मेंटल प्रोसेस है. ये लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे, द मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज, मतलब आपकी मेंटल प्रोसेस कह लीजिए, एबिलिटी कह लीजिए, जिसके थ्रू आप नॉलेज को, ज्ञान को एक्वायर करते हैं. उसमें बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, चाहे फिर आप परसीव करें, रिकॉग्नाइज करें किसी चीज को, कॉन्सेप्ट्स बनाएं, रीजन करें किसी चीज के प्रति, थिंकिंग स्किल्स, आपकी परसेप्शन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमोरी, इन सबके द्वारा जब आप अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं एज कॉग्निशन. तो ये एक बात हुई. इसके विषय में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी थियोरीज दी हैं. प्याजे ने अलग बात की है, बच्चा स्टेजेस में अपना संज्ञान का निर्माण करता है, और इसके अलावा अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही है, जो हम कर चुके हैं डिस्कस. तो आगे बढ़ेंगे, अपने अंदर मतलब परसेप्शन हो, रिकॉग्निशन हो, या फिर मेमोरी हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, रीजन करना हो, जो हम सबको मिलाकर के एक समझ बनाने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में, दैट इज कॉग्निशन. आगे बढ़ते हैं, मेटा कॉग्निशन क्या होता है, ये पेपर में इस बार पूछा गया. और मेटा कॉग्निशन मतलब परासंज्ञान. तो मेटा कॉग्निशन क्या है, पेपर में इस बार सीटेट में आया था, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. परासंज्ञान इज लाइक अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस, मतलब ऐसे थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज है. क्या कि मतलब आप नोइंग अबाउट नोइंग, जानने के बारे में भी जानना. तो इसको आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन थॉट प्रोसेसेस, मतलब खुद के ही थॉट प्रोसेसेस के बारे में अवेयरनेस, या किसी कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मतलब कि हो सकता है बारिश होती है, तो जरूरी नहीं है सब उसको सेम तरीके से, हाँ बारिश हो रही है उस तरह से रिकॉग्नाइज करें, उसके बारे में अलग अलग विचार आपके नेक्स्ट लेवल थॉट्स हो सकते हैं. ठीक, तो ये एक बात हुई. इसके अलावा अगर हम बात करें, तो आगे बढ़ेंगे, ब्रेन मैपिंग, ये ऐसे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको कई बार पेपर में देखने को मिल जाते हैं. ब्रेन मैपिंग कहूं इसको मैं, माइंड मैपिंग कहूं, तो अगर मैं माइंड मैपिंग कहूं इसको, या ब्रेन मैपिंग कहूं, तो माइंड मैपिंग एक रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ माइंड, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब जो आपका दिमाग है वो किस तरह से काम करता है, फंक्शन करता है, उस चीज पर काम करना, उस चीज को रिसर्च करना और जानना कि कौन सी वो चीजें हैं जिसके थ्रू आपका माइंड बेहतर तरीके से कॉम्प्रिहेंड करेगा और चीजों को अपने अंदर रख पाएगा. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि भाई एक प्रकार का डायग्राम भी हो सकता है, एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है, जो रिलेशनशिप शो करे किस चीज के बारे में, जिससे आपके दिमाग में, आपका दिमाग जरूरी नहीं है कि सारी चीजों को वर्ड्स में याद रखता हो, कई बार आप फ्लो चार्ट्स में याद रख लेते हैं, कई बार आप इमेजेस की फॉर्म में याद रख लेते हैं, तो किस तरह से दिमाग काम करेगा किस चीज के प्रति, दैट इज माइंड मैपिंग. भाई आप मैपिंग भी करते हैं डॉट 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 लगा के, तो वो क्या है, एक तरह की आप अपने दिमाग को दिशा दे रहे हैं, एक तरह की आप अपना दिमाग आपका कैसे फंक्शन करता है उस चीज पर काम कर रहे हैं. जैसे आप ये अपने सामने देख सकते हैं, इसके अंदर माइंड मैपिंग के अंदर कॉन्सेप्ट मैपिंग भी आ जाता है, भाई कॉन्सेप्ट के बारे में आपने मैप किया, अलग अलग तरह की चीजें बनाई. तो आगे बढ़ेंगे, इसका एग्जांपल आप देख चुके हैं इसमें.
कोई बात नहीं, सुरुचि कुछ लोगों को इग्नोर किया जाना चाहिए, कुछ लोग काम नहीं करते हैं, टाइम पास करते हैं. मीनिंग ऑफ इमोशन, अब हम आते हैं इमोशन पर. देखिए इमोशन क्या है, अभी जिनको भी कहीं भी कंफ्यूजन रह जाए क्वेश्चंस में फिर डिस्कस करेंगे. मीनिंग ऑफ इमोशन मतलब कि संवेग. अगर मैं बात करूं तो ये निकला कहाँ से है जो शब्द है, तो एक लैटिन भाषा का एक शब्द है, मैं कई बार इधर लिख देती हूँ, इमोवियर करके. लैटिन भाषा का एक शब्द है इमोवियर करके. या अगर आप इमोशन को वैसे भी समझना चाहें, इमोशन है क्या, अगर इसको तोड़ के भी देखें हम, तो एक तरह से एनर्जी इन मोशन, मतलब जो एक एनर्जी है किस चीज में, जो मोशन में है, गति कहें इसको या जो भी आप कहना चाहें हिंदी में. इमोवियर मतलब कि टू मूव से निकला है इसका. अगर अगर बिल्कुल एक देखें उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मतलब होता है इसका टू मूव या इन मोशन, मतलब कि आप उत्तेजित करती हैं जो चीजें आपको, ठीक है, जो आपको फ्लो कहूँ, या एक टू मूव इज अ बेटर वर्ड, कि आपको मूव करने के लिए स्टिमुलेट करेंगी एक तरह से. तो इमोशंस हम सभी के अंदर होते हैं, कई लोगों ने कहा जन्मजात होते हैं, कई लोगों ने कहा बाद में आते हैं. तो अगर मैं बात करूं तो इमोशंस का अपना एक इंपॉर्टेंस है, और इमोशंस कलर आर लाइफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो संवेग हैं वो हमारी जिंदगी को एकदम रंग भर देते हैं, नहीं तो एकदम सब कुछ रोबोटिक हो जाएगा अगर हमारे अंदर इमोशंस नहीं होंगे. तो रैथस ने ये बात कही है. इसके अलावा इफ द इमोशन इज पॉजिटिव देन द फीलिंग एसोसिएटेड विद इट विल ऑफ हैप्पीनेस, मतलब कि यदि पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के इमोशन हो सकते हैं, आप एनर्जी को दो दिशा दे सकते हैं, पॉजिटिव हो सकती है ये, नेगेटिव हो सकती है. तो यदि पॉजिटिव है तो आप हैप्पीनेस आएगी आपके अंदर, आप खुश रहेंगे. अगर आपने नेगेटिव एसोसिएशन है तो फिर आप हेट कमेंट्स करेंगे, ठीक है. तो ये अडेप्शन पे डिपेंड करता है, आपने कैसे अडॉप्ट किया है किसको, इमोशंस को. कई बार आप प्रेशर सिचुएशंस में भी बहुत अच्छा करते हैं, क्यों, क्योंकि आपका अडेप्शन उस तरह का है. अगर आप देखें विराट कोहली जब खेलते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत सारी प्रेशर सिचुएशन में भी क्या है, वो इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं, या उन्होंने ऐसे अडेप्ट किया हुआ है उस चीज को कि वो नेगेटिवली उनको हार्म नहीं कर पाती है. तो वो एक बात हुई. अगर हम बात करें वुडवर्थ की एक डेफिनेशन के विषय में, तो वुडवर्थ ने भी कहा है कि भाई स्टर्ड अप स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड. इमोशन क्या है, एक उत्तेजित स्थिति है आपके दिमाग और आपकी बॉडी की. तो ये भी एक बात हुई जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं. जन्म से तीन इमोशन हमारे अंदर पाए जाते हैं, और वॉटसन ने ये बात कही है. कई लोग कहते हैं बाद में होते हैं, तो वो उस बहस में हम नहीं जाएंगे, जो काम की चीजें उस पर जाएंगे. वॉटसन ने कहा है तीन इमोशन होते हैं जन्म से. फॉल से हम इसको याद रखेंगे, फियर मतलब भय, एंगर क्रोध कह सकते हैं इसको, और फिर है लव मतलब कि प्रेम. तो ये तीन इमोशंस जन्म से होते हैं, ऐसा कहते हैं वॉटसन, जिनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, व्यवहारवाद के जनक, जिनका बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था. कंडीशनिंग के फादर तो नहीं कहेंगे इनको, बट कंडीशनिंग में इनका अच्छा खासा एक प्रकोप है, काम है. एक बच्चे एल्बर्ट पे भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. तो ये हम ध्यान में रखेंगे. अगर हम टाइप की बात करें वॉटसन के अनुसार, तो फियर एंगर लव तीन प्रकार की इन्होंने बात की है. मैकडूगल ने 14 टाइप ऑफ इंस्टिंक्ट दिए हैं. इंस्टिंक्ट क्या है, बायोलॉजिकली हार्ड वायर्ड होते हैं हमारे अंदर, जो क्या करेंगे, इमोशंस को जागृत करेंगे. ये ऐसी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा में मैं आपको उतना ही बता रही हूं जितना जरूरी है, इंस्टिंक्ट और इमोशंस, ठीक है. अब यहां पर क्या होगा, इंस्टिंक्ट से इमोशंस जागृत होते हैं, और इस तरह के 14 इंस्टिंक्ट दिए हैं, जिसके बारे में हम मोटिवेशन में भी आई थिंक बात कर चुके हैं, कि जैसे कई बार जब आप एंगर से डिस्गस्ट आता है, आप क्यूरियस होते हैं, तो आप मतलब अमेजमेंट आता है, इस तरह से उन्होंने 14 इंस्टिंक्ट को 14 इमोशंस से जोड़ा है. 14 भी आप नंबर भी याद रखेंगे और आपको पता होगा इंस्टिंक्ट और इमोशन पे बात की है, दैट्स इनफ. मुझे नहीं लगता सीटेट में ना तो आज तक पूछा है कि 14 इमोशंस के बारे में पूछे और फिर उनके नाम भी पूछे, तो इतने में काम चल जाएगा. इसको हटा देते हैं और आगे बढ़ेंगे. अभी हम कहीं कोई डाउट हो तो पूछते रहना. हाँ, कुछ लोगों को ऐसे जॉब मिल गई है लेट्स लर्न पे आके अपनी अपने दुख गाने की. खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं संवेगों की. भाई हर चीज़ के अपने फायदे नुकसान होते हैं. अगर हम इनको पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे तो हम क्या कर पाएंगे, एक बेहतर ह्यूमन बीइंग भी बन सकते हैं, बेहतर परफॉर्म भी कर सकते हैं, और बेहतर अपनी ज़िंदगी भी जी सकते हैं. अगर हम इनको नेगेटिव डायरेक्शन देंगे तो हम सिर्फ आलोचनाओं में रह जाएंगे या परेशान ही रहेंगे, उससे खुशी नहीं मिल पाएगी. तो वो एक बात हुई. अगर हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखें यहाँ पर, तो ह्यूमन इमोशन इन्वॉल्व्स फिजियोलॉजिकल अराउजल, एक्सप्रेसिव बिहेवियर्स एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस. मतलब इसका एक फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट हो सकता है, इसका एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो सकता है. भाई आपके फिजिकल रिस्पॉन्स में भी शो होते हैं इमोशन, आपके संज्ञान को भी प्रभावित करते हैं, जैसे आप सोचते हैं, जैसे आप फील करते हैं. तो ये दोनों चीजें क्या है, जुड़ी हुई हैं आपस में.
फिर सेकंड है फीलिंग्स आर अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर द एमरजेंस ऑफ इमोशंस. अगर आप इमोशन की बात करें तो फील करना जरूरी है. फीलिंग्स क्या है, एक तरह की रिक्वायरमेंट है और फीलिंग्स डायरेक्टली बायोलॉजिकली जुड़ी हुई है. इमोशंस आर सब्जेक्टिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो इमोशंस हैं वो सब्जेक्टिव हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. भाई अगर हम बात करें तो इस बुक के बारे में आप लोगों का इमोशन, जो लोग बेसिकली यहाँ लेट्स लर्न से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एग्जाम क्लियर किए हैं, चाहे वो सीटेट हो या कोई और एग्जाम हो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में, जो समझते हैं, थियोरीज देखी हुई हैं और जिनकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, जिनको हेल्प मिलती है, उनके लिए इसका इमोशन क्या होगा कि यार अपनी बुक आई है, बहुत काम आएगी या हम लोग कुछ सीखेंगे इससे. जो जुड़े हुए नहीं है, जिनका कोई एसोसिएशन नहीं है या जिनका नेगेटिव इमोशन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, उनको लगेगा यार ठीक है ना, कोई बात नहीं. तो इमोशंस सब्जेक्टिव होते हैं, सेम चीज़ के लिए चार लोगों की अलग राय या अलग इमोशन हो सकता है और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है. और कई लोग सेम एग्जाम में एंग्जाइटी फील करते हैं, कई लोग उत्साहित होते हैं कि भाई ये तो आज करके इसको ख़त्म करेंगे. तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि किस तरह से उसने अडेप्ट किया है किस इमोशन को और किस तरह से वो फिर एक्शन लेगा. तो ये एक बात हुई, आगे बढ़ेंगे. कॉजेज ऑफ इमोशनल स्ट्रेस इन लर्नर्स. देखिए इमोशंस हम इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं, एक तो खुद को तो हम जा नहीं पाए, दूसरा बच्चों के लिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, सीटेट देने जा रहे हैं, फिर आगे एग्जाम देंगे, टीचिंग फील्ड में हम काम कर रहे हैं. तो आप बच्चों को बेहतर तरीके से जान पाएं, इसीलिए आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी पढ़ते हैं कि अपनी स्ट्रेटजीज आप उस तरह से अपना पाएं. इमोशंस का अडेप्शन, आप जिस तरह से इसको अडेप्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा कि आप कितना बेहतर एडजस्ट कर पाएंगे अपने समाज में, अपने पर्यावरण में, या क्या आपके जो टास्क होंगे वो किस तरह के होंगे. तो अडेप्ट कैसे करेंगे आप, अगर मैं बात करूं इमोशनल स्ट्रेस बहुत बार होता है बच्चों में, तो एडजस्टमेंट किससे होगा, जब आप इमोशनली पॉजिटिवली इसको अडेप्ट करते हैं. लेकिन माल एडजस्टमेंट हो सकता है यदि स्कूल में सही पर्यावरण ना मिले, टीचर का बिहेवियर ठीक ना हो, बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क हो, या पुअर फिजिकल हेल्थ. जब आप बीमार होते हैं तो इमोशंस भी कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो आ नहीं रहे होते. ठीक है, फिर इसके अलावा जो आपकी सोसाइटी, जो आपका समाज है, जो आपका कल्चर है, जो आपकी इकोनॉमिक स्थिति है, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है क्या कहते हैं उसको, आपके इमोशनल स्टेट को, कि आप इमोशनली स्ट्रेस में हैं या आप बेहतर तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे. देखिए टीचर के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बेहतर एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड करा पाए, एक बेहतर पेडागॉजी को अपनाए, बच्चा माल एडजस्टमेंट क्यों फील कर रहा है, क्यों वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा, उस चीज़ को समझे. आगे बढ़ेंगे, अब आता है कंट्रोल ऑफ इमोशंस, मतलब कि इमोशंस को कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं या किस तरह से जनरली लोग इनको कंट्रोल करते हैं, जो एक डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट भी आप इसको कह सकते हैं, जिसकी बात सिगमंड फ्रॉयड ने की थी शुरुआत में. तो अब फर्स्ट तरीका हो सकता है रिप्रेस कर दें, आप किसी चीज़ को ऐसे ही दमित कर दें, दमित इच्छाओं को. लेकिन रिप्रेस्ड इमोशन क्या है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ नहीं है. फ्रॉइड ने भी कहा है कि भाई जिन इमोशंस को आप रिप्रेस कर देते हैं, जिन इच्छाओं को आप दमित कर देते हैं, वो दबती नहीं है, वो जिंदा दफन हो जाती हैं और वो कहीं ना कहीं फिर बाद में आपको प्रॉब्लम देती हैं या अलग अलग भयानक तरीकों से निकलती हैं बाहर. फिर है एक्सप्रेशन इन सोशली अप्रूव्ड वेज. भाई आप क्या करते हैं, सोशली अप्रूव्ड वेज में काम करते हैं, जिसको सब्लिमेशन भी हम कह सकते हैं. भाई आप डायरेक्ट भाग मिल्खा भाग का हमने बहुत बार एग्जांपल लिया है कि उनको शूटिंग का बहुत ज़्यादा उत्तेजना थी तो कोच ने क्या किया, उनको रनिंग में डाल दिया, जो कि एक सोशली एक्सेप्टेबल वे है. या कोई पेंटिंग बना सकता है, ऐसी सेक्सुअल अर्ज हो सकती है या कोई भी इस तरह की एंगर बहुत ज़्यादा हो सकता है जिसको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरा उन्होंने एनर्जी को डायरेक्ट किया उस दिशा में जिसको सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जा सकता है. आगे बढ़ते हैं, आगे है इंडस्ट्रियसनेस. कई लोग अपने काम में लग जाते हैं, अगर नेगेटिव इमोशन भी आया तो वो उसका बदला काम से लेंगे, जबान से नहीं. ठीक, फिर उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप ऑफिस में आपने डांट खाई और यूट्यूब पे जाके आपने नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर दिया, या फिर ऑफिस में आपने डांट खाई, बॉस को आप कुछ नहीं कह सकते थे, अपने बच्चे को जाके पीट दिया क्योंकि वो आपसे आपको उल्टा कुछ नहीं कर पाएगा ये कह सकते हैं. तो एक जगह से दूसरी जगह आपने डिस्प्लेस कर दिया अपने इमोशंस को. रिग्रेशन होता है जब आप अपने से छोटी एज वाले एक्शन को परफॉर्म करने लगे खुद को बेहतर फील कराने के लिए, और इसमें हंसी रोना हो सकता है इसके अंदर. नेक्स्ट है कैथारसिस. कैथारसिस इंपॉर्टेंट है. कैथारसिस मतलब कि फिजिकल और मेंटल दो प्रकार का होता है कैथारसिस. कैथारसिस का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस. रिप्रेशन नहीं है ये, रिप्रेशन का जस्ट उल्टा है एक्सप्रेशन. जब आप एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, या तो आप किसी से बात करके खुद के इमोशंस को हल्का फील करते हैं, आप ऐसे गॉसिप करके कई लोगों को हल्का फील होता है, ऐसे चुगलियां करके. और दूसरा एक तरीका है कि आप फिजिकल एक्शंस में इन्वॉल्व हो जाएं, जैसे बच्चे जो हैं वो खेल करके कैथारसिस की फीलिंग को फील करते हैं, अपने नेगेटिव इमोशंस को वो यूटिलाइज या बाहर निकालते हैं किसके थ्रू, प्ले के थ्रू. कई लोग बॉक्सिंग करके अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. आगे बढ़ेंगे, रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सोनी, टेंशन ना लो.
अब थियोरीज को देख लेते हैं, हालांकि पूछी नहीं जाती बट इस बार जेजोंग के बारे में पूछ लिया है तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। थियोरीज ऑफ इमोशंस, संवेगों के जो सिद्धांत दिए हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने, फर्स्ट थियोरी है जेम्स एंड लैंग की, विलियम जेम्स, वही स्ट्रक्चरलिज्म नहीं था इनका, विलियम जेम्स जिनको अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है, तो विलियम जेम्स और लैंग, कार्ल लैंग, इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी बात कही कि पहले आप फिजिकल रिस्पॉन्स फील करते हैं, उस रिस्पॉन्स की वजह से आपके अंदर एक इमोशन स्टिमुलेट होता है। मतलब कि अगर आपको पसीना आने लगे या आपकी आंख में ऐसे आंसू आ जाए तो इनके अनुसार क्या होगा, आप समझेंगे यार मुझे पसीना आ रहा है, मतलब या तो मैं टेंशन में हूं या अगर हार्ट बीट बढ़ गई है तो मैं परेशान हूं। अब पहले आपकी हार्ट बीट आपने फील की, उसके बाद आप इमोशन फील कर रहे हैं, तो ये क्या, फिजिकल रिस्पॉन्स से इमोशन आया। जब फिजिकल रिस्पॉन्स से इमोशन आएगा तो जेम्स लैंग कहेंगे भाई पहले फिजिकल रिस्पॉन्स फिर इमोशन। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरी जो थ्योरी है इन्होंने जस्ट इसका उल्टा कहा, कैनन बार्ड ने इस बात को नकार दिया, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, साइमल्टेनियसली होते हैं या इमोशन पहले आता है, जो इमोशन है उसको आप तेजी से फील करते हैं और फिजिकल रिस्पॉन्स उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग आता है। मतलब कि पहले आपने डर फील किया और फिर देखेंगे आप कि मैं तो कांप रहा हूं। ठीक, तो इन्होंने जस्ट उल्टी बात कही। फिर है शेस्टर एंड सिंगर की बात, शेस्टर एंड सिंगर कहते हैं कि भाई दो चीजें, इसको टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन कहा जाता है, जो शेस्टर सिंगर की है, टू फैक्टर थ्योरी कहा जाता है इसको इमोशंस की। ठीक है, ये स्पीयरमैन वाला नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, इमोशन की थ्योरी है। तो इसके ये शेस्टर और सिंगर कहते हैं कि भाई दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक तो आपका फिजिकल रिस्पॉन्स और दूसरा आपका कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। आप फिजिकली डर फील कर रहे हैं, अब आप अपने दिमाग में जो खुद को कहेंगे ना, जो आप इसको लेबल देंगे, तो आपकी हार्ट बीट तेज थी, आपने देखा अच्छा हार्ट बीट तेज है, फिर आपने इंटरप्रेट किया अरे ये डर की फीलिंग नहीं है, ये तो मैं दौड़ के आया हूँ इसलिए हुआ है ऐसा। ठीक है, या फिर कई बार आप बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव फिजिकल आपको रिस्पॉन्स है, नेगेटिव फिजिकल जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग में खुद को मोटिवेट करते हैं जो भी उस बारे में इंटरप्रेट करेंगे, मतलब आप सोचेंगे यार मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया, अब तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो आपका इमोशन फिर उस तरह का होगा। यदि आप सोचेंगे यार ये कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, वेरिएबल स्टेट है, तो फिर आपका इमोशन उस तरह से काम करेगा। तो इंटरप्रिटेशन, जो हम अपने दिमाग में खुद को बोलते हैं, वो है शेस्टर और सिंगर की थ्योरी। तो ये एक बहुत छोटे रूप में हमने बात की। अब हम जेजोंग के बारे में बात कर लेते हैं। जेजोंग से इस बार क्वेश्चन आया था, जेजोंग ने कहा है कि भाई इंटरडिपेंडेंट हैं, मतलब स्वतंत्र हैं। क्या है स्वतंत्र यहां पर, जो आपका कॉग्निशन और इमोशन है वो स्वतंत्र है। कॉग्निशन मतलब संज्ञान और दूसरा इमोशन संवेग। सभी ये मानते हैं जनरली कि जो संज्ञान है उसका प्रभाव पड़ेगा आपके थॉट प्रोसेस, आपका परसेप्शन, आपकी नॉलेज, इस चीज का प्रभाव पड़ता है आपके इमोशंस पर, लेकिन उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। तो इतना जान के काफी काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब मैं थोड़ा आप लोग के डाउट देख लेती हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे तो आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। थैंक यू राज। इमोशनल इंटेलिजेंस को समझेंगे, जिसकी बहुत कमी है आजकल, तो इसको समझने की जरूरत है और अपनाने की भी जरूरत है। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे डेनियल गोलमैन ने बात की, अपनी एक बुक भी लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की। मतलब कि संवेगों के प्रति आप कितने इंटेलिजेंट हैं, बुद्धि आपकी किस तरह से काम करती है, अवेयरनेस अबाउट योर ओन इमोशंस भी इसको हम कह सकते हैं। ये अरस्तु ने कहा था, ये जो आपको शो हो रहा है, एरिस्टोटल जिनको हम जानते हैं फादर ऑफ लॉजिक, इन्होंने कहा कि एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज ईजी, हर कोई गुस्सा कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री। गुस्सा, नाराजगी होना सही व्यक्ति के साथ सही समय पर और सही डिग्री, सही मात्रा में, सही पर्पज के साथ, सही वे में, वो डिपेंड करेगा कि आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं, और ये चीज अपने आप में बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को दर्शाएगा। भाई अगर आपको बेसिकली कोई प्रॉब्लम होती है, आप रोड पे कहीं चल रहे हैं, कुछ इस तरह की परेशानी होती है और दो लोगों के साथ या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, आप उस टाइम पे ये थोड़ा ना उसको बहुत लव का इमोशन दिखाएंगे, उस टाइम पे आपका अलग डिग्री होगा गुस्से के लिए, एंग्री होने के लिए अलग अमाउंट होगा, अलग टाइम होगा, अलग पर्पस होगा। तो ये ही इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आप किस इमोशन को किस तरह से, किस समय पर, किस डिग्री में, किस पर्पस के साथ यूज करेंगे। तो ये एक बात हुई। डेनियल गोलमैन का नाम याद रख सकते हैं, और ये जो अपने आप में आपको ये कोट दिख रहा है, ये दिया था अरस्तु, मतलब एरिस्टोटल ने। आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करें,
और जिनको परेशानियां हैं वो डिसलाइक करके जाएं. एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब टीचर किस तरह से इसको यूज़ कर पाएगा अपनी कक्षा के अंदर. देखिए इमोशंस की अगर हम बात करें तो इस इमोशंस क्या हैं अपने आप में, आपको ह्यूमन बनाते हैं अगर मैं कहूँ तो अपनी भाषा में, नहीं तो आप रोबोट्स हो जाएंगे. फिर जब आप कुछ फील ही नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल रोबोटिक वे में काम करेंगे, तो ज़रूरी भी हैं. और इनका जो प्रभाव है, चाहे वो इमोशन हो चाहे वो कॉग्निशन हो, दोनों का प्रभाव आपकी लर्निंग पर पड़ता है. अगर बच्चा मोटिवेशन है उसके अंदर, मोटिवेटेड है तो बेहतर सीखेगा. इमोशनली पॉजिटिव अगर उसको डायरेक्शन मिली हुई है तब वो बेहतर सीखेगा, संज्ञान भी प्रभावित रहेगा बेहतर तरीके से. तो आपका काम है आप बच्चे को बेहतर एनवायरमेंट दें, अच्छी इंस्ट्रक्शन दें. और यदि किसी बच्चे में माल एडजस्टमेंट दिखता है, अग्रेशन दिखता है, तो उसको समझें, उसके पीछे का रीजन जानें, उसके पेरेंट्स से बात करें कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये आपका काम है कि आप अवेयर रहें, ठीक, किसके प्रति, अपने इमोशंस के प्रति. तो वो एक बात हुई. अब कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और आप लोग को आंसर करना है. जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे साथ के साथ. जेजोंग बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर, मतलब जेजोंग का ये मानना है कि जो अनुभूति और भावना है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट मतलब अंतर निर्भर है, इंडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, या फिर इंटीग्रेटेड है, मतलब कि एकीकृत है. बताएं एक बार. धन्यवाद लाइक और शेयर करने के लिए, और अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें. हम बहुत सारा काम टीचिंग एग्जाम्स के लिए करते रहते हैं. हाँ, तो आंसर क्या होगा, बी, मतलब कि इंडिपेंडेंट है. ये बात हमने अभी डिस्कस की थी कि कॉग्निशन और इमोशन को दो अलग अलग प्रक्रियाएं कहा है जेजोंग ने. तो इन्होंने नहीं कहा कि इंडिपेंडेंट मतलब इंटरडिपेंडेंट है, इन्होंने कहा है स्वतंत्र हैं. ठीक, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन. ये क्वेश्चन भी इस बार पूछा गया कि भैया इमोशन कौन सा है, इसमें से एक कौन सा एक भाव है, संवेग कौन सा है. कुछ इमोशंस बचपन से मतलब जन्म से होते हैं, ये बात हमने अभी डिस्कस की थी. तो ये मेमोरी है, फियर है, अटेंशन है, या स्टिमुलस है. सिंपल बात, फॉल आपको याद होगा, फियर, एंगर और लव, जिसको वॉटसन ने दिया है. तो इसमें से फियर जो है वो आपके अंदर एक इमोशन है, आपके अंदर संवेग है. और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सारे इमोशन जो है नेगेटिव हैं, कई बार इनको आप पॉजिटिव या सही अमाउंट में अगर यूज करते हैं तो वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस वहां काम करेगी. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द स्ट्रेस परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशंस, दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स, मतलब कि जो आपके परीक्षा में तनाव जो आप प्रभावित करता है आपको, तनाव आपकी परफॉर्मेंस को, तो ये क्या है, ये किस तरह का रिलेशनशिप अपने आप में शो करेगा. तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि भाई स्ट्रेस ओमिशन का रिलेशन है, ये बॉन्ड है, कॉग्निशन इमोशन का बॉन्ड है, परफॉर्मेंस और एंग्जाइटी का बॉन्ड है, या कॉग्निशन और कॉम्पिटिशन का बॉन्ड है. फटाफट से बताएं फिर आगे बढ़ेंगे. हाँ बिल्कुल सुजीत, फॉल है, सही बात है. बी ऑप्शन इसका भी, और कई लोग सी भी दे रहे हैं, मिक्स्ड आंसर आ रहा है. मतलब देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी नहीं होगा, कॉग्निशन और इमोशन का ये रिलेशन है. हमने समझा था कैसे संज्ञान आपका आपके इमोशंस और आपके इमोशन संज्ञान को प्रभावित करते हैं. यदि आप इमोशनली साउंड हैं तो आपका संज्ञान आप सीख भी बेहतर तरीके से पाएंगे, आप समझेंगे भी चीज़ों को बेहतर तरीके से. आपके इमोशंस आपके संज्ञान को और आपका संज्ञान आपके इमोशंस को प्रभावित करता है. तो ये कॉग्निशन और इमोशन का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा घबराया हुआ है स्ट्रेस के अंदर है एग्जाम से पहले. परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जिनको लग रहा है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी स्टेज फियर से रिलेटेड होता है. जैसे कि आपको चार लोगों के सामने बोलने में प्रॉब्लम हो, या कई बार जब माहौल चेंज होता है, ये पब्लिक स्पीकिंग से ज्यादा जुड़ा हुआ है. कई आर्टिस्ट्स को ये फेस करना पड़ जाता है, और कई लोग जो लोग ऐसे बॉलीवुड से जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती तो कैमरा के सामने हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को भी फेस करना पड़ जाता है. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर. Which of the following skills is associated with emotional intelligence? Emotional intelligence मतलब कि जो सामवेगिक बुद्धि है उससे जुड़ा हुआ कौन सा एक ऑप्शन है यहाँ पे. मेमोराइजिंग मतलब याद रखना, मोटर प्रोसेसिंग, एनविसेजिंग, या फिर एम्पेथाइजिंग. क्या होगा इसका राइट आंसर. भाई इसको हिंदी में टाइप नहीं किया है, मैं थोड़ी सी लेट हो रही थी तो हिंदी में टाइप नहीं कर पाई हूँ इसको. बुक मिल जाएगी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बाहर किसी भी शॉप पे दिल्ली में या बाहर NCR में, तो कोई टेंशन नहीं है. बताओ एक बार. एम्पैथेटिक मतलब भाई सिंपैथी आपने सुना है. हाँ सिंपैथी सुना है आपने, जिसको हम सहानुभूति कहते हैं. और दूसरा होता है एम्पैथी मतलब समानुभूति जिसको हम कहते हैं. अब एम्पैथी और सिंपैथी में क्या है, किसी के साथ कुछ बुरा हो गया आप कहेंगे हाँ यार प्रॉब्लम तो हुई है बंदे के साथ.
ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे एम्पैथी की, तो एम्पैथी क्या है, आप समान भाव फील कर पाएं किसी के लिए, मतलब पुट योर सेल्फ इन समवन एल्सस शूज, आप खुद को किसी की जगह पे रख के देख पाएं। किसी को भी कुछ भी कह देना आसान है, बट जब आप खुद पर आती है, मतलब बोलते हैं ना लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है या आप कब प्रभावित होते हैं, जब आपके ऊपर आती है चीजें, तो जब आप खुद को दूसरे की सिचुएशन में रख के देखते हैं तो दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। आप इमोशनली इम्बेलेंस नहीं है, आप इंटेलिजेंट हैं अगर आप दूसरे की सिचुएशन को समझ पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोग तो सही ही दे रहे हैं आंसर। ये ऐसे भी क्वेश्चन है जो हम बहुत बार अलग अलग जगह पर डिस्कस भी कर चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, भाई बच्चों के सामूहिक विकास के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा। फर्स्ट इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर्स एज इट इज द टास्क ऑफ द पेरेंट्स। भाई टीचर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ पेरेंट्स का काम है, आपकी भी बराबरी की जिम्मेदारी है बच्चों को आगे बेहतर डिवेलप कराने में। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट, बिल्कुल कंट्रोल करके रखें अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट को, या फिर अथॉरिटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट, मतलब सत्तावादी बनेंगे आप, बच्चों पर सत्तावादी बनेंगे, उनको दबा के रखेंगे क्योंकि आपको कभी मौका नहीं मिला जीवन में अपने आप को एक्सप्रेस करने का, या फिर डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, मतलब कि आप डेमोक्रेसी का बेसिकली प्रजातांत्रिक होगा आपका कक्षा का एनवायरनमेंट। तो कभी भी बच्चे के हित में बात हो तो प्रजातांत्रिक एनवायरनमेंट सबसे पॉजिटिव है, कि आप बच्चों को बोलने की आजादी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी, अपनी बात को रखने की आजादी और एक डिस्कशन अपना व्यू पॉइंट के साथ उनको बोलने देंगे। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द, देखिए परमिसिव वो होता है दबके दब्बू काइंड ऑफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशन इज करेक्ट, भाई इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट ठीक है संज्ञान और संवेग के विषय में। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरट्वाइंड एंड अफेक्ट ईच अदर, भाई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्रभावित करते हैं एक दूसरे को, या फिर कॉग्निशन एंड इमोशंस आर प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से पृथक हैं, अलग हैं, या फिर कॉग्निशन अफेक्ट्स इमोशंस बट इमोशंस डू नॉट अफेक्ट कॉग्निशन, भाई संज्ञान तो प्रभावित करता है लेकिन क्या है इसके इसका जो दूसरे एक ऑपोजिट बात है, संज्ञान प्रभावित करता है लेकिन इमोशंस प्रभावित नहीं करते। पीडीएफ मिल जाएगा, ऐप में मिल जाएगा, रुक जाओ एक आध दिन, सारे पीडीएफ वहीं मिल जाएंगे, ये वाला भी वहीं मिल जाएगा। इमोशंस अफेक्ट कॉग्निशन बट कॉग्निशन डज नॉट अफेक्ट, इमोशंस का प्रभाव पड़ता है लेकिन कॉग्निशन का नहीं। सिंपल बात है भाई, इंटरट्वाइंड है मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है कॉग्निशन एंड इमोशन, इतनी देर से हम यही समझ रहे हैं और जनरल परसेप्शन यही है, जिजोंग पर नहीं जाएंगे यहां। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एनीवन कैन बिकम एंग्री दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री एट द राइट टाइम विद द राइट अमाउंट विद द राइट पर्पस, जितना भी पूरी एक ये कथा है तो ये इजी नहीं है। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये तो आपको सपने में भी पूछ लिया जाए तो बता दोगे। सोशल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव है, फिजिकल है या इमोशनल है, बताएं एक बार। ऐसे मतलब 517 लोग और 278 लाइक, बड़ी नाइंसाफी है। तो हाँ, ऐसे LHS इज इक्वल टू RHS ने किया क्या कभी स्कूल में? आंसर क्या होगा? इमोशनल डेवलपमेंट, बिल्कुल, मतलब आपका इमोशनल डेवलपमेंट कैसा हुआ है उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप किस समय पे कैसा डिसीजन ले पाएंगे अपने जीवन में और किस अमाउंट में नाराज हो पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल अपियरिंग इन एन असेसमेंट देविका फाइंड्स हर अराउजल एज एनर्जाइजिंग वेयर एज राजेश फाइंड्स हिज अराउजल एज डिसकरेजिंग देयर इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर मोस्ट लाइकली टू डिफर विद रिस्पेक्ट टू। भाई वही विराट कोहली वाला एग्जांपल ले सकते हो, मान लो विराट कोहली है वो भी सेम गेम खेलने जा रहे हैं, कोई और प्लेयर है वो भी सेम गेम खेलने जा रहा है, और जनरली हमने ऐसा देखा है इसलिए हम एक परसेप्शन बना रहे हैं कि वो अपने इमोशंस को बेहतर कंट्रोल कर लेते हैं, ज्यादा अवेयर होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, साउंड हैं। दूसरा जो प्लेयर है मान लेते हैं कि हो सकता है वो उतना साउंड ना हो, तो देविका है जो एनर्जाइजिंग फील कर रही है और राजेश हैं जो डिस्करेजिंग फील कर रहे हैं किसी भी एक आकलन से पहले, मतलब एक है जो डरे हुए हैं या बहुत डिस्करेजमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है, और दूसरे एक्साइटेड हैं कि हाँ भाई मैं तो अच्छे से सब कुछ तैयार है और कोई टेंशन नहीं है, देख लेंगे, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। तो ये जो है यहां पे क्या क्या रीजन है इनके वेरिएशन का इमोशन के। फर्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सेकंड इज द एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशन, द थर्ड वन इज द लेवल ऑफ अडेप्टेशन, द इंटेंसिटी ऑफ थॉट। पैसा नहीं लगता, ऐसे लोग अपने जीवन से खुश नहीं होते कई, तो इस चक्कर में उनको लगता है लाइक बचा के जीवन ठीक रहेगा, धन्य हो जाएगा। तो खैर मैं कहती भी नहीं हूं आजकल, बताएं एक बार द लेवल ऑफ अडेप्टेशन। यही हमने समझा था, हर व्यक्ति का अडेप्ट डिप्रेशन का लेवल और तरीका अलग होगा, आप किस इमोशन को किस तरह से अडेप्ट करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से किस चीज़ के प्रति रिस्पॉन्ड करेंगे। तो बिल्कुल ये किस चीज़ का फर्क है
अडेप्टेशन का, किस तरह से डिग्री जो है उनकी अडेप्टेशन की दोनों की डिफरेंट है. तो ये बात हुई. अब लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशंस लर्निंग एंड मोटिवेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. हमने अभी समझा था मोटिवेशन को, इमोशन को, कॉग्निशन को जोड़ करके कैसे ये लर्निंग को प्रभावित करते हैं. तो बताओ एक बार, इमोशंस डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिवेटिंग टू लर्न. इमोशंस का कोई रोल नहीं है बच्चे को मोटिवेट करने में सीखने के लिए, या फिर लर्निंग समथिंग न्यू इज डिपेंडेंट ऑन हाउ गुड वी आर एट दैट. भाई कुछ नया सीखना इस बात पर निर्भर करेगा कि हम पहले से कितने बढ़िया हैं उस चीज़ में, या फिर इमोशंस नीड टू बी पुश्ड असाइड टू फॉलो, टू अलाउ फॉर लर्निंग टू टेक प्लेस. मतलब जो इमोशंस हैं उनको साइड करके फेंक देना जरूरी है, हमें इमोशंस की कोई आवश्यकता नहीं होती जीवन में, या फिर इमोशंस आर इनएक्सट्रिकेबली इंटरट्वाइंड विद मोटिवेशन एंड लर्निंग. बताएं एक बार आंसर क्या होगा. बहुत बढ़िया हर्षित. हाँ तो अब मैं थोड़ा सा चैट देख लेती हूँ. नीतू बहुत बढ़िया, इमोशंस आर इंटरट्वाइंड, बिल्कुल ठीक है. प्रतिष्ठा, लक्ष्मी, व्रंजन, देखिए फोर्थ ऑप्शन ही ठीक है. चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो फिर आपका संज्ञान हो, सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं. ऐसा नहीं है कि आपको बेसिकली आप कंट्रोल कितना करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. आपका लेवल कैसा है अडेप्टेशन का, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट ये जुड़े हुए हैं, आपको प्रभावित करते हैं, और आप इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स हैं. इवन जो एनिमल्स हैं उनमें भी ये चीज़ें पाई जाती हैं. तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ. तो ये जरूरी है कि आप साउंड इमोशन वगैरह सारी चीजें बेहतर दें. ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स इंडिकेट दैट अ चाइल्ड इज इमोशनली एंड सोशली फिट इन अ क्लास एक्सेप्ट. भाई सारे जितने भी ये फैक्ट है ना, ये इस बात को दर्शाते हैं कि बच्चा क्या है, सांवेगिक रूप से सोशली फिट है. भाई समाज में भी तो आप तभी फिट होते हैं ना जब आप अपने इमोशंस पे थोड़ा बहुत काबू पाएं, उनको सही तरीके से अडेप्ट करें, या आप बिल्कुल खिलाफ ही हो जाएंगे तो आप कैसे तो समाज में अडेप्ट कर पाएंगे. चेंज करने के लिए भी प्रोसेस में आना जरूरी है. तो एक्सेप्ट मतलब कि इस कौन सा एक ऑप्शन है जिसको हटा दें अगर हम बात करें इमोशनली और सोशली फिट के बारे में बच्चे के. मतलब कि कौन सा एक ऑप्शन है जो ये कहता है कि भाई बच्चा इमोशनली फिट नहीं है. डेवलप गुड रिलेशनशिप विद पीयर्स, अपने दोस्तों के साथ अच्छा जो एक रिलेशनशिप है बनाना, वो एक बेहतर चीज है, हट जाएगा ये ऑप्शन. सेकंड है कॉन्सेंट्रेट ऑन एंड परसिस्ट विद चैलेंजिंग टास्क. भाई कॉन्सेंट्रेट करना और परसिस्ट करना किसी एक काम पर, मतलब कमिटमेंट काइंड ऑफ. फिर है मैनेज बोथ एंगर एंड जॉय इफेक्टिवली. दुख को भी आप एक साथ मतलब मैनेज कर लें, और सुख को भी, गुस्सा भी आए और जॉय में भी आप दोनों चीजों को हैंडल कर लें. कॉन्सेंट्रेट परसिस्टेंटली ऑन कॉम्पिटिशन विद पीयर्स. आप कॉन्सेंट्रेट कर सकें, पूरा ध्यान लगा के रखें आप अपने पीयर ग्रुप पे कि भैया कॉम्पिटिशन है, जीना और मरना कॉम्पिटिशन है, मैं तो कॉम्पिटिशन के लिए पैदा हुआ हूं. बताओ एक बार, डी होगा बिल्कुल. यदि आप कॉम्पीट करने में लगे रहते हैं आधी जिंदगी, तो आप एक तो सुकून से नहीं रह पाएंगे, और दूसरा फिर आप इमोशनली फिट नहीं है. आपको इमोशंस पे कंट्रोल लाने की जरूरत है, थोड़ा सा खुद को जानने की जरूरत है. तो सेल्फ अवेयरनेस अबाउट इमोशंस इज लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस. तो ये भी जरूरी हुई बात. तो यही था आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, और ये था आपका सेशन. अगर मैं बात करूं इस सेशन को रिवाइज करने की, आई होप आप सभी को पहले तो पसंद आया होगा. अगर हम बात करें इसको रिवाइज करने की, तो हमने समझा संज्ञान क्या है, आपकी एबिलिटी है किसी भी चीज को सीखने की, आपके परसेप्शन, थिंकिंग स्किल्स, आपकी रीजनिंग स्किल्स, वो सब इसके अंदर आ जाती है, जिसके थ्रू आप अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, उसको नॉलेज बनाते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बनाते. ठीक. उसके अलावा फिर हमने समझा भाई मेटा कॉग्निशन क्या है, अवेयरनेस, आपके आपकी अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस किसी एक चीज के प्रति, उसके नेक्स्ट लेवल जाके अवेयरनेस. कोई क्वेश्चन देखा आपने, सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखा, आपको पता है कि थ्योरी कौन सी है. ऐसे हम बहुत बार लेट्स लर्न पे जोड़ के देखते हैं कि भाई अगर जॉन डुई के बारे में बात हो रही है, सोशल ग्रुपिंग के बारे में बात हो रही है, या रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में बात हो रही है, तो आप नेक्स्ट लेवल पहुंचेंगे उस क्वेश्चन से अगर आपने रटा नहीं है तो, कि अच्छा ये उससे जुड़ा हुआ है. तो आपका जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस, कॉग्निशन ऑफ द कॉग्निशन, आप नेक्स्ट लेवल थॉट प्रोसेस लगा पाते हैं. नेक्स्ट एक चीज हमने फिर समझी कि माइंड मैपिंग क्या है, आपका माइंड किस तरह से फंक्शन करता है, उसके लिए आप आसान तरीके ढूंढते हैं. आपका अलग अलग तरीके हैं, चाहे वो माइंड मैप बनाना हो, कॉन्सेप्ट मैप बनाना हो, आपका दिमाग किस तरह से इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर पाता है. फिर हमने समझा इमोशन क्या है. इमोशन इज लाइक एनर्जी इन मोशन. मतलब उत्तेजना को ही अगर हम बात करें, उत्तेजित स्टेट को वुडवर्थ ने इमोशन कहा है कि भाई आपके अंदर, क्योंकि कोई भी काम आप अगर जीवन में करेंगे एनर्जी चाहिए होगी, तो ये जो उत्तेजना है ना आपकी, ये जो अराउजल है, ये आपको या तो बनाएगा या तो मिटाएगा. तो इमोशंस क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, और हमें इन्हें इनके प्रति अवेयर होने की जरूरत है. इमोवियर से ये शब्द जो है लैटिन भाषा का उससे निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है टू मूव, मतलब कि मोशन में. ठीक है, स्लो मोशन में नहीं, मोशन में. ठीक, आगे आगे बढ़ेंगे. इमोशंस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं,
हर व्यक्ति के लिए हर एक का इंटरप्रिटेशन अलग होगा, जरूरी नहीं आप सेम चीज के लिए सेम तरह से फील करें ऐसे. मतलब भाई अभी नई किताब आई है, पहली किताब आई है, तो ऐसे खुश हूँ मैं. अभी तो थॉट्स भी इसी के आ रहे हैं बस, तो आप लोगों को पहुँचेगी तब आप लोग बताना. तो वो एक बात हुई. फिर उसके बाद हमने समझा कि वॉटसन ने फियर एंगर लव की बात की है, मैकडूगल ने 14 प्रकार के इंस्टिंक्ट दिए हैं, उनसे कॉरेस्पॉन्डिंग इमोशंस भी दिए हैं. जेम्स लैंग को समझा, जैसे उन्होंने कहा कि पहले फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, पहले आप फिजिकली हार्ट बीट तेज फील करते हैं और फिर आपको पता लगता है इमोशंस हैं. कौन सा इमोशन है? डर का इमोशन है. इसका उल्टा कहा कैनन बार्ड ने कि नहीं, पहले इमोशंस आते हैं फिर उसके बाद आप फिजिकल रिस्पॉन्स आपके अंदर आने लगता है कि भाई आपको लगेगा कि मतलब आप डर फील कर रहे हैं आप एग्जाम में कि मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, फिर आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी तब उससे आपको पता लगेगा. फिर उसके बाद हमने शेस्टर को समझा किस तरह से उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी इमोशन की. उन्होंने कहा कि भाई जो आपका संज्ञानात्मक पक्ष है और जो आपका इंटरप्रिटेशन है उस चीज, फिजियोलॉजी और आपका कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, मतलब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और आपने कैसे उसको लेबल दिया, वो डिपेंड करेगा आपका इमोशन कैसा होगा. तो ये चीजें हमने समझी. फिर हमने जजोंग को समझा कि इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं कॉग्निशन और क्या आपका इमोशन, लेकिन हमें ध्यान में रखना है दोनों जुड़े हुए हैं, प्रभावित करते हैं आपकी लर्निंग को. वो एक बात हुई. फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, इमोशनल इंटेलिजेंस को समझा, कैसे आपको अवेयर रहना, कंट्रोल करना, जागरूक होना खुद के ही इमोशंस के बारे में, सही जगह पर सही अमाउंट में सही चीज को प्रदर्शित करना जरूरी है. फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को समझा, आप बच्चों को तभी समझ पाएंगे तब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएं पहले, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है. एडजस्टमेंट और माल एडजस्टमेंट इसी की वजह से होता है, यदि आप इमोशनली कॉग्निटिवली साउंड हैं तो आप एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे, अदरवाइज माल एडजस्टमेंट हो सकता है. तो आपको बच्चों को माल एडजस्टमेंट से बचाना है. अगर कोई अग्रेसिवली बिहेव करता है तो कारण जानना है, उसके पेरेंट्स से इंटरेक्ट करना है. तो ये सारी चीजें हमने समझी, पूरे एक अच्छे तरीके से रिवीजन हुआ. अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, दोबारा देख लेना वीडियो, और इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको लेट्स लर्न की एंड्रॉइड ऐप पर मिल जाएगा, और वो जो ऐप पर मिलेगा वो मोस्ट प्रोबेबली कल तक मिल जाएगा. उस पर काम चल रहा है, बहुत सारे अपडेट्स होने बाकी हैं, तो कोई टेंशन नहीं है. वी ऑल आर इंटेलिजेंट हर्षित, बस इट डिपेंड्स कि हम चीजों को कैसे समझते हैं और देखते हैं. माल एडजस्टमेंट के बच्चा इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए, क्लास में ठीक से रिस्पॉन्ड ना कर पाए किसी भी चीज़ के प्रति, या तो जरूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाए, है ना. मतलब आप एडजस्टमेंट में नहीं, आप इक्विलिब्रेशन में नहीं है, होमियोस्टेसिस में नहीं है, अगर मैं बात करूँ तो, है ना, बैलेंस की स्थिति नहीं है, डगमगा गए हैं, तो वो माल एडजस्टमेंट है. वो वाला माल एडजस्टमेंट मैं बात नहीं कर रही हूँ जो आमिर खान ऐड करते थे कि भाई यहाँ कुपोषण नहीं है ये, है ना, वो फिर आपकी बॉडी के टर्म में होता है. धन्यवाद जिनको भी सेशन पसंद आया. आज आपसे प्रैक्टिकली सीखा कि कैसे इमोशंस को कंट्रोल करें. अरे धन्यवाद. मैं तो कल जब बुक साइन कर रही थी पूरे टाइम ऐसे, मतलब अभी थोड़ी सी तबीयत भी खराब है तो ऐसे हाथ बिल्कुल दर्द हो गया, तो वो लोग कह रहे थे कि हम मदद करें कुछ ये वो, मैंने नहीं, ऐसे इमोशंस जुड़े हुए हैं तो कई बार मेरे को ये लगता है कि मैं ज़्यादा इमोशंस से जुड़ जाती हूँ लेट्स लर्न पे. तो मैं कल सोच रहा इमोशन एंड कॉग्निशन पढ़ाऊंगी, मेरे से अपने कंट्रोल नहीं हो रहे आज. तो ये हमें इमोशन जो है इंसान बनाते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ऐसे कलरफुल हो जाती है ज़िंदगी. और अभी सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की बुक ही है जिसमें कुछ 110 पेज के आसपास आपको कंटेंट है, काम काम की चीज़ें, बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर टेबल्स और पिक्चर्स के थ्रू, और जहाँ पे भी ज़रूरत है सारी चीज़ों के थ्रू. फिर उसके बाद कुछ पेपर वन पेपर टू दोनों के क्वेश्चंस हैं. धन्यवाद मुकेश. और बताइए अभी समय क्या हुआ है, क्योंकि मुझे 8 बजे फिर से क्लास लेनी है, 9 बजे फिर से क्लास लेनी है. आप लोग 9 बजे मिलेंगे प्रीवियस ईयर के डिस्कशन में, होपफुली मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी ट्रैफिक जैम ना मिला तो. तो कल मिलते हैं, एक मास्टर सेशन रहेगा CDP पे 5:30 बजे, और 5:30 बजे मास्टर सेशन रहेगा CDP पे जिसमें हम सारा CTET का जितना भी सब कुछ पढ़ा है या जो नहीं भी पढ़ा है, छोटा मोटा कोई टॉपिक है, उन सब को डिस्कस कर लेंगे, और आप लोग के डाउट्स भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि लास्ट में ले पाऊँ. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सबकी अपनी एक पर्सनल थॉट है. नाम मैं हमेशा बताती हूँ ऐसे शुरुआत में, हिमांशी सिंह. चलिए बहुत बढ़िया. हाँ ये वीडियो बिल्कुल आप डाउनलोड कर पाएंगे, अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अगर कोई भी इंटरेस्टेड है प्रैक्टिस कोर्स में जो ग्रेडअप टीम के द्वारा चल रहा है. चलिए फिर कल मिलते हैं. इसी इमोशन के साथ भी आप काम में अपना बेस्ट देते हुए, तो यू आर बेस्ट, यू आर परफेक्ट, वी ऑल आर परफेक्ट. और यार इमोशंस तो इंसान बनाते हैं, पॉजिटिव तो रखने ही चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है कि रोबोट्स बन जाएंगे. नौ बजे होगा सेशन, 9 बजे.
हिंदी मीडियम के लिए अभी टाइम लगेगा, नेक्स्ट सीटेट से पहले आ जाएगा। इवन सभी के लिए कॉमन है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीटेट तक सीमित है, सारी थियरीज वगैरह को उस तरह से इंक्लूड किया है। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में। कल लास्ट सेशन होगा लक्ष्य सीरीज का, तो वो एक बात हुई, माय इमोशंस आर इंटरट्वाइंड विद यू। अरे बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए अब मैं घर जाती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।